Good morning, class. Myself, Geeta Mishra. I'm your math teacher. This is your math period. Today, we are going to learn chapter 10, shapes. In previous class, we discussed about solid shape and plane shape. और आज हम क्या पढ़ेंगे? Basic geometrical concept. ठीक है? उसमें हम points के बारे में line segment, ray, curve line and intersecting के line के बारे में पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है? फर्स्ट है हमारा पॉइंट. पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी? अ पॉइंट इज द स्मॉलेस्ट डॉट वी कैन ड्रॉ और इमेजिन. इट इज रिप्रेजेंट बाय अ डॉट ऑन अ शीट ऑफ पेपर. ठीक है? मैंने पॉइंट डॉट ड्रॉ किया. ठीक है? ये इसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट. है ना? जैसे एक सुई है, ये आपकी सुई है ना, ये नेडल है और इस नेडल की ये जो ये लास्ट वाली पॉइंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पॉइंट. ठीक है? और इस पॉइंट को हम लिखते हैं क्या? पी. पॉइंट पी. तो हम क्या लिखेंगे? पॉइंट पी. ठीक है? लाइन. लाइन क्या है? अ स्ट्रेट लाइन विच एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शन इज कॉल्ड अ लाइन. पॉइंट के बारे में हमने क्या पढ़ा था? कि अ पॉइंट इज द स्मॉलेस्ट डॉट. ठीक है? छोटी छोटे डॉट्स होते हैं. तो ये जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, इन डॉट्स को जब हम मिला देते हैं तो वो क्या बन जाती है? एक लाइन. ठीक है? ये जो लाइन है, इस लाइन की कोई एंड पॉइंट नहीं होती है. ठीक है? स्ट्रेट लाइन विच एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शन इज कॉल्ड अ लाइन. यानी कि इसकी कोई एंड पॉइंट नहीं होती. ये अपोजिट साइड्स में बढ़ते रहते हैं. ये इधर भी बढ़ेगा, ये इधर भी बढ़ेगा. ठीक है? कोई इसकी डेफिनेट लेंथ नहीं होती कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की. ठीक है? लाइन हमारी कितनी भी बड़ी हो सकती है, कितनी भी लंबी, चाहे उसको हम अपने राइट साइड बढ़ा दें या फिर लेफ्ट साइड. ठीक है? अब जैसे मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ किया है, मैं आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पर एक लाइन दिया है ए एंड बी. ठीक है? और यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोगों को? ये एरो का मतलब क्या है? यानी ये लाइन जो है हमारी इस साइड भी बढ़ सकती है और इस डायरेक्शन में भी बढ़ सकती है ना? यहाँ पे लिखा है ना कि एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शन इन कॉल्ड अ लाइन. ठीक है? तो अगर हमें इसको दिखाना होगा लाइन ए बी, तो हम कैसे लिखेंगे? ए बी और इसके ऊपर ऐसे एरो बना देंगे. इसका मतलब है लाइन ए एंड बी. ठीक है? ए और बी के बीच की लाइन है हमारी. नेक्स्ट है हमारा लाइन सेगमेंट. अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू डेफिनेट पॉइंट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट में हमने क्या पढ़ा? कि एक स्ट्रेट लाइन है बिटवीन टू डेफिनेट पॉइंट. अब जैसे मैंने बोल दिया पॉइंट ए से लेकर के बी तक के बीच में आपको लाइन खींचनी है, तो आपने क्या किया? यहाँ पे पॉइंट ए लिख दिया और यहाँ पर पॉइंट बी लिख दिया. ठीक? अब इन दोनों के बीच की हमने लाइन खींच दी, ड्रॉ कर दी लाइन. ठीक? तो ये हमारी लाइन सेगमेंट हो गई, क्योंकि इसकी दो डेफिनेट पॉइंट हमें पता थे कि ए और बी के बीच वाली जो लाइन है, ये हमारी लाइन सेगमेंट है. ठीक है? ना हम इसको आगे बढ़ाएंगे ना हम इधर. ठीक है? क्या लिखा हुआ है कि अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू डेफिनेट पॉइंट. ये हमारी डेफिनेट पॉइंट थी, मैंने बोला था ए और बी के बीच में. ठीक? इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट. इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन. लाइन का ही ये भी पार्ट है ना? यहाँ से यहाँ तक हमने दिखाया था, तो ये हमारा लाइन का ही पार्ट है. एंड हैज नो विड्थ. इसकी केवल लेंथ होती है, कोई चौड़ाई नहीं होती. विड्थ यानी चौड़ाई. ठीक है? अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने ई एंड एफ. E और F दो पॉइंट है हमारी, फिक्स पॉइंट है, और उन दोनों के बीच में एक लाइन खींची गई है जिसको हम लाइन सेगमेंट बोल रहे हैं. अगर हमें शो करना होगा E और F को, तो हम कैसे शो करेंगे? E एंड F और ये ऐसे उनके ऊपर हमने लाइन सेगमेंट खींच दी. ठीक है? अब नेक्स्ट है हमारा रे. रे क्या है? आप लोग सन देखे हैं ना, सन दिखता है. सन के सन से हमें क्या मिलती है? रोशनी मिलती है. तो रोशनी किसके थ्रू आती है? रे के थ्रू आती है ना, किरणों के थ्रू. तो ये हमारा जैसे सन है, और सन से जब रे आती है तो रे एक ही डायरेक्शन में आती है ना, ऐसे. यहाँ से पीछे थोड़ी ना चली जाती है, ऐसे ऐसे है ना. ये क्या है? सन इसका एग्जाम्पल हो गया.
की जो रे है, ठीक है, ये इसकी क्या होती है, एक एंड पॉइंट होती है और दूसरी तरफ से वो बढ़ता रहता है। पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है, अलाइन सेगमेंट विच हैज वन एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट हमने पढ़ा वहां पे, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, उसकी केवल एक ही एंड पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट, ठीक है, वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड्स इनलेसली इन वन डायरेक्शन, केवल वन डायरेक्शन में वो बढ़ता रहता है, इनलेसली, जो खत्म ना हो, ठीक है, डायरेक्शन इज कॉल्ड अ रे, जिसे हम क्या बोलते हैं, रे। एग्जाम्पल हमने आपको क्या दिया, सन, ठीक है, सन की जो रेज होती हैं वो क्या होती है, नीचे की तरफ आती रहती है ना, उल्टा थोड़ी ना जाती है, तो ये क्या लिखा रहा है, ये हमारी एंडलेस पॉइंट है और ये हमारी एंडलेस डायरेक्शन है, जो कि बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है ना, वन डायरेक्शन में। इट डज नॉट हैव अ डेफिनेट लेंथ, इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती, ठीक है। फिर है कर्व लाइन, कर्व लाइन क्या होती है, लाइन विच इज नॉट स्ट्रेट एंड इज बेंट, इट इज अ स्मूथ एंड कंटिन्यूअसली, मीन्स कंटिन्यूअस है, लिखा है कि लाइन विच इज नॉट स्ट्रेट, यानी अभी तक तो हम स्ट्रेट लाइन के साथ चल रहे थे, है ना, अब यहाँ पे कह रहा है कि कर्व लाइन में जो लाइन हमारी स्ट्रेट नहीं होती, कैसी होती है, बेंट, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, देखिए एक कर्व लाइन है, ये ऐसे घूमी हुई है ना, झुकी हुई, यानी ये भी डॉट्स पे ही होती है, लेकिन ये स्ट्रेट डॉट्स नहीं होती है, ये कहीं पे ब्रेक भी नहीं होती, ये एंडलेसली ये ऐसे बेंट होती रहती है, ये क्या है हमारी, ये हमारी कर्व लाइन है, लाइन विच इज नॉट स्ट्रेट एंड इज बेंट, ये सीधी लाइन नहीं है, झुकी हुई है ना, बेंट यानी झुकना, इट इज स्मूथ एंड कंटिन्यूअसली, ये कहीं ब्रेक नहीं हो रही है, हमने यहाँ पे ऐसे डॉट किया तो ये ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ नहीं चलेगी, ये पूरी लगातार चलती रहेगी, यही है, इट इज स्मूथ एंड कंटिन्यूअस, ठीक है। फिर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, जहां पे दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, दो हैं या दो से ज्यादा हैं, वहां पे जब कट करती हैं उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, और जिस पॉइंट पे वो जाके मिलती हैं उसे हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। फिर डेफिनेशन पढ़िए इंटरसेक्टिंग लाइन की, कि व्हेन टू और मोर लाइन मीट एट वन कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट पे जहां पे मिलती है, जैसे एक ए बी लाइन है, दूसरी सी और डी है, ये दोनों को एक दूसरे से हम क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट यानी कट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, है ना, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, और कट किस मिल कहाँ रही है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, ओ पॉइंट, ओ, और इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यहाँ पे लिखा है द पॉइंट वेयर द लाइन मीट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। ये आपका हो गया बेसिक जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। मेजरमेंट में आपको पढ़ना है लाइन को कैसे मेजर करते हैं, तो लाइन को मेजर करना मैंने पहले भी मेजरमेंट वाले चैप्टर में आप लोगों को समझा दिया है कि लाइन को जब हम रूलर के थ्रू मेजर करते हैं तो हम हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट हमारा जीरो रखते हैं, 0 से 5 या 4 जितने सेंटीमीटर होगा वो हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक की हमने लेंथ ली, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हम जब जब स्केल से अपने करते हैं रूलर से, तो यहाँ से स्टार्ट होता है 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे, तो हमको जब अगर मैंने बोला 3 सेंटीमीटर की आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा 0 रखेंगे, ठीक है। फिर इसी में आपको आएगा ओपन एंड क्लोज फिगर। ओपन फिगर क्या होते हैं, जैसे मैंने यहाँ से पिक्चर ड्रॉ की और ये ऐसे कर दिया, है ना, यानी ये पॉइंट आपकी क्या है, ओपन है ना, तो ये क्या हो गई, ओपन फिगर। क्लोज फिगर जो पूरी क्लोज हो, जैसे कि ये फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्लोज फिगर हो गया, जहां पे कुछ ऐसे इस तरह कोई भी पॉइंट ओपन नहीं है ना, सब जगह एक दूसरे से मिलके ये बंद हो जाता है, तो ये हमारे ओपन फिगर का एग्जाम्पल हो गया और ये क्लोज फिगर का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपको ये ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट जो थी वो भी आपकी क्लियर हो गई होगी कि लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है। आप लोग इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है वो आप अपनी बुक में करिएगा। थैंक यू।